शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है। कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो गई है। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज समेत यूपी के तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हो रही है। लखनऊ की हालत ऐसी है कि अपनों की जान बचाना है तो ऑक्सीजन का इंतजाम खुद ही करना होगा। उसके लिए भी इंतजार इतना लंबा है कि मरीज की सांसें इस इंतजार में ना जाने कब साथ छोड़ जाएं। ये अभी आए हैं, देखिए लाइन में खड़े, कोई पूछ नहीं रहा है कि अंदर जाना भी है। ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में, अगर ऑक्सीजन पर क्या ले जाएंगे सिलेंडर का आप इंतजाम करो। मैं कहाँ से करूँ, जब कहीं मिल रहा हो बताइए, मैं हॉस्पिटल में हूँ ना, आप लोगों के पास है, गवर्नमेंट पूछे हमसे क्या मतलब, पैसा खर्चा। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं है। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चों को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दें। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चों को ले जाने के लिए तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएं हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे। प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर तो मिल रहा है लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।